بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मुआज़्ज़ज़ आदरणीय किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सुभान अल्लाह जिस्मानी साख्त अता फरमाई और जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आज़ा रखे। बज़ाहिर जो हमारे आज़ा हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी देखभाल हम करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म को अंदरूनी तौर पर भी ऐसा खूबसूरत बनाया है कि सुभान अल्लाह, अगर इंसान ये चाहे कि उसकी खूबसूरती बहाल रहे, उसकी जिस्मानी साख बेहतर से बेहतर रहे, तो अंदरूनी तौर पर भी हमारे आज़ा ऐसे हैं कि हमें उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया है, जिस्मानी और ज़ाहिरी आज़ा की तो हम हिफाजत करते हैं, लेकिन जो बातनी आज़ा हैं, जो हमारे जिस्म के अंदरूनी आज़ा हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं करते और उन्हें देख नहीं पाते, तो इस वजह से उनकी हिफाजत भी नहीं करते। और बस अवकात हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जिस्म के वो आज़ा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं और वो आज़ा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और वो आज़ा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक आज़ू जो है वो जिगर है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिगर को ये तो सुभान अल्लाह जिगर को इस साख्त में ढाला है कि सुभान अल्लाह जिगर का ये फंक्शन है कि वह हमारे जिस्म के अंदर से मुख्तलिफ जहरीले मवाद को फिल्टर करता है और सुभान अल्लाह हमारे जिस्म को साफ खून मुहैया करता है, साफ खून बनाता है। लेकिन हमारा अगर जिस्म में हमारे जिस्म में अगर जिगर मुतासिर हो जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां फिर जन्म लेती हैं। लेकिन ये जिगर हमारा मुतासिर क्यों होता है, खराब क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और हमारे आज का टॉपिक भी यही है कि जिगर को खराब करने वाली, बीमार करने वाली ग़िज़ाएं। अब जिगर को बीमार करने वाली ग़िज़ाएं, नाज़रीन किराम, रोज़मर्रा के अंदर वैसे तो हम बहुत सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं। जब ग़िज़ा को, ऐसी ग़िज़ा को जो कंटिन्यूसली इस्तेमाल की जाए, तो बसा औक़ात वो हमारे जिस्म को बीमार कर देती है, हमारे जिगर को बीमार कर देती है, हमारे जिगर को ख़राब कर देती है। उनमें से सर फहरिस्त जो है वो तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा तरी वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करना, वो जिगर को ख़राब कर देती है। उमूमी तौर पर आजकल माशरे के अंदर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, तली वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तली हुई चीज़ें पसंद करते हैं और ज़्यादा उसी की तरफ जाते हैं। बाकायदा खाने पीने का वो इंतज़ाम जो पहले ग़िज़ा के तौर पर किया जाता था वो नहीं है। सिर्फ ज़ाहरी तौर पर क्रिस्पी और इस चीज़ों को और तली हुई चीज़ों को खाना हम पसंद करते हैं और यही चीज़ें हम बच्चों को आदत डाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी ही आदत डाल रहे हैं। बस माएँ जो है वो आसान काम है, फिरोज़न है, फिरोज़न अशियाँ ले आती हैं और माशाल्लाह फिरोज़ कर देते हैं घरों के अंदर। और डीप फ्रीज़र के अंदर लोगों ने एक्स्ट्रा माशाल्लाह डीप फ्रीज़र रखे होते हैं और उसके अंदर से बस वो निकाल लेते हैं, चाहे वो फ्राइज़ हों, चाहे वो जो भी चीज़ें हों, वो सारे निकाल कर फटाफट तल के अंदर दे दी, तल में तल के दे दी और बच्चे वो खा लेते हैं और कल को बच्चे उन्हीं चीज़ों के आदि हो जाते हैं। जब बच्चे आदि हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, तो माएँ कहती हैं कि क्या करें जी, बच्चे कुछ खाते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। और बड़े हो जाएं बच्चे तो आप यहाँ देख लें, इस मुल्क के अंदर जो बच्चों की उमूमी तौर पर ग़िज़ा है, बच्चों से मुराद आज के जो जवान हैं मेरे, आप वो देख लें, जब वो अपने अपने ममालिक के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ भी वो फास्ट फूड की तलाश में रहते हैं, तो वो वहां पर वो ऐसी ऐसी जगहों के तलाश में रहते हैं कि जहां पर ये चीजें मिलती। तो तली हुई चीजों का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना ये आपके जिगर को खराब कर देता है, जिगर को बीमार कर देता है। सबसे पहली बात, सबसे पहली गिजा। दूसरी गिजा नाज़रीन-ए-किराम,
बहुत सी हम आज के दौर के अंदर फिजी ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोडा सोडा पानी वगैरह या सोडे वाली डिजाइन सोडे वाली जो मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी हमारे जिगर को खराब कर देती है और इतना खराब करती है, इतना डैमेज करती है कि मैं आपको बतला नहीं सकता ना देने के लिए इस तरीके से। और हमारे यहाँ खास तौर पर बच्चे क्या करते हैं, सफर करते हैं, लॉन्ग रूट पे सफर कर रहे हैं, कोई बर्मिंगम से जो है वो लंदन जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ आ रहा है, तो रास्ते में हम क्या करते हैं, स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ स्नैक्स लेते हैं, या ऑफिस के अंदर ऑफिस वर्कर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ज्यादा वो पैकेट वाली अशिया, ज्यादा वो डब्बों वाली अशिया वो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारा जिगर मुतासर होता है। और आपने देखा होगा उमूमी तौर पर जो ज्यादा ये चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी भूख खत्म हो जाती है, बस वो खाते भी थोड़ा सा है, बस वो खाकर, अच्छा तली हुई चीजें, ये भी नहीं कि बंदा रज के खा ले, नहीं, हल्की फुल्की बंदा एक दो खाता है, उसके बाद जो है वो दिल जो है बंद हो जाता है, भूख भी खत्म हो जाती है और जिगर की खराब होने की अलामत है। और खास तौर पर इसी तरीके से वो लोग जो हमारे यहाँ तो इस्लाम में और मुसलमानों के लिए तो ये हराम है, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं, शराब कहते हैं, शराब नोशी, जो कसरत से शराब नोशी करने वाले उनका जिगर खत्म हो जाता है, इसी तरह सिगरेट नोशी करने वाले उनके भी जिगर काफी खराब हो जाता है, फेफड़े लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग्स के बाद उनके जो है वो यानी कि उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, और फेफड़े के बाद जो उनका जिगर भी खराब हो जाता है, आप देखें उनके चेहरे की रंगत, उनके होठों की लाली वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें इस पर गौर करने की जरूरत है, हम रोजमर्रा के गिजाओं के अंदर हमें इस पर इससे इज्तनाब करना चाहिए। बहरहाल अमूमी तौर पर इन ममालिक के अंदर बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, और इंसान है ना, हम तो इंसान तिब के ऊपर, तिब जो है वो जिस्मानी साख के ऊपर बात करती है, जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती के मुतालिक उस पर गुफ्तगू की जाती है, तो उसमें माशाल्लाह हमारे बहुत से मजाहब जो है वो देखने वाले मुझे मिलते हैं और कॉल भी करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि अल्कोहल जो है ये भी जिस्म के हमारे जिगर को खराब कर देता है। इसके अलावा नागरिक के नाम खास तौर पर चॉकलेट वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा चॉकलेट वगैरह इस्तेमाल करना, ज्यादा क्रिप्स वगैरह इस्तेमाल करना, ज्यादा ये चीजें इस्तेमाल करना जो है ये जो है सेहत को खराब कर देता है, ये जरा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके साथ साथ नागरिक के नाम मुख्तलिफ और गजाएं, खास तौर पर ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करना, ज्यादा चिकन का इस्तेमाल करना, ये क्या करता है, ये हमारे यानी कि इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देता है, हमारे जिगर को इतना खराब कर देता है कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की ज्यादती भी हो जाती है। और यहाँ तक के देखा गया है कि आज आप देख लें कि चाहे हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये जितने हैं ये जिगर की खराबी की वजह से होते हैं। और हमें क्या होता है, हमें इस वक्त देने में होता है कि जब हमारा जिगर जो है वो हमें ये खबर मिलती है, जो हमने ज्यादा यूके यूरोप में आपने सुनी भी होगी ये बात, हमारे प्रोग्राम के जरिए भी बहुत से लोग इस बात की तरफ वो करते हैं कि भाई हमारा जिस्म जो है, हमारा जिगर जो है वो फैटी हो गया, हमारा लीवर जो है वो फैटी हो गया। जब लीवर आपका फैटी हो जाता है तो उसकी वजह क्या होती है कि ज्यादा तली हुई चीजें इस्तेमाल करना, ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करना, और ज्यादा जो है इन चीजों का इस्तेमाल करना, इन खिजाओं का इस्तेमाल करना, इससे जो है आपका जिगर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। और इसी तरीके से फिर उनके जिस्म के तौर पर, अच्छा बेहतरीन ये है, अब इससे बचा कैसे जाए, एक तो बेहतरीन काम मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाकईतन अपनी सेहत से मुतालिक संजीदा हैं और आपने अजम कर लिया, अच्छा इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, खास तौर पर वो लोग जिनकी जिस्मानी सेहत जो है वो इतने मोटे मोटे नहीं है, मैं साफ लफ्जों में बात कर रहा हूँ, यानी कि उनके वो जिस्म उनका इतना भारी नहीं है, तो वो उनका जिगर इतना जल्दी मुतासर नहीं होता, लेकिन होता उनका भी जिगर मुतासर है। लेकिन खास तौर पर वो लोग जो जो जिस्मानी लिहाज से भारी हैं, जिस्म के लिहाज से वो मोटे हो चुके हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो उनके उनका जिस्म के बकिया आज़ा तो मुतासर होंगे ही होंगे, लेकिन जिगर भी उनका सबसे ज्यादा मुतासर होगा, तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके साथ साथ नादिर कराम मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस जिगर को बचाना कैसे है। खास तौर पर देखिए, इन गिजाओं से एक तो परहेज करना है और इन चीजों से हमने परहेज करना है, और इसके साथ साथ अपनी गिजाओं के अंदर ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ज्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करना है। अब देखें उमूमी तौर पर हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं या कितने घराने हैं कि जिसमें रोजाना बाकायदगी से सलाद खाया जाता है, ये जितने कितने घराने हैं जिसमें बाकायदगी से फ्रूट की प्लेट जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वो तैयार की जाती है, मुख्तलिफ फ्रूट जो है वो खाए जाते हैं, घरों के अंदर फ्रूट्स लाते हैं बच्चे खाते नहीं है, जो है सब्जियां लाते हैं खाते नहीं है, तो आप उनको आदत डालें शुरू से। माएं जो है वो कहती हैं कि बच्चे खाते नहीं है, अब बच्चे खाएंगे क्यों कि जब आपने उनके सामने सिर्फ रख दिया,
नहीं, बच्चों को तो खिलाना पड़ता है, माओ को जो है उनके साथ जान खानी पड़ती है। यकीन जानिए कि अब बच्चा बड़े जो है वो सब्जी नहीं खाते, लेकिन बच्चों के साथ अगर शुरू में थोड़ी थोड़ी उनकी आदत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अजीज फिर बच्चे आपके सब्जी भी खाएंगे, सब्जी भी पसंद करेंगे, और जो भी आप घर के करी वगैरह सालन वगैरह तैयार करते हैं वो खाएंगे। और खास तौर पर हमारी जो देसी माएं हैं वो माशाल्लाह मुख्तलिफ खाने तैयार करती हैं, लेकिन वो अब बच्चे जो है यहाँ इंग्लिश फूड के आदी हो चुके हैं। इंग्लिश फूड के आदी होने की वजह से वो बेचारे जो है अब उनकी भी कसूर नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि अब उनको यही कुछ दिया जा रहा है, माएं भी यही कुछ दे रही हैं। तो उनको बचपन से जो माएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे कल को उनकी उनकी सेहत बेहतर रहे और उनके उनके अंदरूनी तौर पर भी उनके आज़ा महफूज रहें और जिस्मानी जाहिरी तौर पर भी वो एक माशाल्लाह सेहतमंद रहे। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, और हर वालिदैन ये चाहते हैं उनके बच्चे सेहतमंद हो, और हर वालिद औलादे भी ये चाहती हैं कि यार हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा साहबा वो सेहतमंद हो, बहन भाई सेहतमंद हो। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल हमने उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से हम जाहिरी तौर पर अपने अज़ा की हिफाजत करते हैं। बज़ाहिर हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसके इस खाने की वजह से उसके जिस्म के कौन सा हिस्सा मुतासिर होता है, तो यकीन जानिए अगर उसे मालूम हो जाए और मालूम होने के बावजूद भी वो उसी गिजा का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करे, तो अब आप ये सोच लीजिए उसको बीमार किसने किया, उसको बीमार उसने अपने आप को खुद किया। फरमाया कि भाई तुम कोशिश ये करो कि तुम ऐसी गिजाओं से परहेज कर लो तो बीमारी से बच जाओगे। तो हमारे यहाँ ये है कि हम गिजाओं से परहेज करने से रहे, हम ये कहते हैं कि नहीं रोजाना जो है फास्ट फूड भी चलना चाहिए, रोजाना तले हुए जो है वो फ्राइज भी होने चाहिए, तली हुई चीजें भी होनी चाहिए, और जो है ताकि हमारे मुंह का जायका कुछ बेहतर हो जाए। तो मुंह के जायके के लिए नादिर निकराम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि खास तौर पर जो हमारे देसी तरीका था उसमें चटनी का इस्तेमाल है, यानी कि ग्रीन चटनी का इस्तेमाल है, सलाद का इस्तेमाल है। जब अंदरूनी तौर पर हमने सारी ऐसी चीजें खाते हैं, मिसाल के तौर पर तली हुए पकोड़े खा रहे हैं, सब क्या नाम है, और इसी तरीके रोल खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, और इसी तरीके से फिंगर चिप्स खा रहे हैं और फिंगर फिश खा रहे हैं, और पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें अब बलाएं आ चुकी हैं वो खा रहे हैं। अब अंदरूनी तौर पर क्या होगा, हमारा अंदरूनी तौर पर ये अंदर का हिस्सा सारा अंदरूनी तौर पर यानी कि मेला गदला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें ग्रीन चीज डालेंगे, जब हम इसमें ग्रीन चीज इस्तेमाल करेंगे, सलाद का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं सलाद के इस्तेमाल से मुताल्लिक भी मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये करें कि हमेशा सलाद जो है वो आप हजरात क्या करें कि सलाद जो है वो स्टीम बॉयल करके इस्तेमाल करें। हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि ये जो कच्चा कच्चा सलाद है ना, जैसे कच्चा घास जो है वो जानवर खाते हैं, तो फरमाया इंसान के लिए है कि उसके हाजमे के लिए बेहतर ये है कि वो स्टीम बॉयल सलाद इस्तेमाल करें। अच्छा, उसे ये भी नहीं कि ज्यादा हमने स्टीम देनी है, इतना स्टीम देनी है कि वो आसानी से जूद हजम हो जाए, ताकि हमारे जो ज्यादा मैदे पर बोझ बन रहा है वो बोझ ना बने। तो इस तरीके से कोशिश ये करें कि रोजाना के रूटीन में जिनके जिगर मुतासिर है, जिगर उनका फैटी हो चुका है, यानी उनका लीवर फैटी हो चुका है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो क्या करें, ये इस तरीके से ये इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह अजीज उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी और उनका जिगर जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पर तवज्जो दें इंशाल्लाह, नादिर करम आपकी सेहत इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनकी भी सेहत खराब है अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपना खास फजल फरमाए इंशाल्लाह। नादिर करम लाइव कॉल्स खोल दी गई हैं और इंशाल्लाह कॉल्स कर सकते हैं अभी आप, और इंशाल्लाह आपको शामिल भी करेंगे। कुछ सवाल मेरे पास पिछले वीक, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल ने आपकी सेहत का इतना ख्याल रखा कि अब तो माशाल्लाह थर्सडे को भी आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह ये प्रोग्राम सेहत और हिकमत आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, तो माशाल्लाह आप हजरात कितनी कॉल्स होती हैं और आप हजरात के सवालात भी इतने होते हैं कि वो प्रोग्राम में जो है कवर बहुत मुश्किल से करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह अब थर्सडे को भी हमारा 6 PM ये प्रोग्राम हुआ करेगा, मतलब हर हफ्ते 2 दिन बाकायदा ये प्रोग्राम हुआ करेगा, एवरी सैटरडे और एवरी थर्सडे इंशाल्लाह 6 PM जहन में रहे। नादरी कराम थर्सडे के भी मेरे पास कुछ सवालात बाकी हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। उसके साथ साथ नादरी कराम हम जो है वो आपको मजीद भी जो है इंशाल्लाह वो सवालात जो है वो हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त हम जो है पिछले कुछ सवालात मेरे पास जो बाकी हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं। हमारी बहन, हमारी एक भाई थे, भाई उनकी उनकी जो है उनकी वाइफ है परवीन, उनकी उम्र 52 है, 75 kg उनका वजन है, मैदे की प्रॉब्लम है, चक्कर भी आते हैं और मैदे में जलन भी है, गैस भी रहती है और मुंह का बहुत कड़वा रहता है, इसके हवाले से कुछ बतलाया जाए। तो देखें सबसे बेहतरीन ये है कि मैदे की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतरीन मेरा कहवा इस्तेमाल करें,
मेरा कहवा जो है नाज़रीन कराम वो बड़ा मुफीद है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे उससे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी सेहत जो है ना वो बड़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। कहवे को उसमें आपको मालूम है मैं क्या बतलाता हूँ, यानी सौंफ, जीरा और जो है अदरक, दारचीनी और मिंट, सूखा पुदीना ले लें, और इसी तरीके से एक चुटकी भर जो है कलौंजी ले लें और हाफ टी स्पून अजवाइन ले लें, ये डालकर इसका कावा बनाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और अदरक और दारचीनी जो है वो अदरक जो है 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है और दारचीनी भी 3 इंच का टुकड़ा ये ले लें, और माशाल्लाह इस कावे को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी मैदे की प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह खाने के बाद ये बाकायदगी से ये करें। और दूसरा कि खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए और खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद पानी पीना, और पानी पीना भी ये नहीं कि बड़े बड़े घूंट सिप सिप करके पानी पीना, ताकि जो है आपके मैदे की जो है उसमें जो है तेजाबियत ना पड़े। अच्छा, इसके साथ साथ मैदे की जलन जो है उसके लिए क्या करें कि आप खाने से पहले जब 1 घंटे पहले पानी पीते हैं तो पानी की जगह पर आप क्या करते हैं उसके बाद दरमियान में जो है ये 1 घंटा जो है इसमें खाने से पहले 1 अदद केला खा लिया करें, 1 अदद केला खा लिया करें, इससे इंशाल्लाह आपकी काफी इसमें बेहतरी आएगी। या उससे पहले आप 1 कच्ची लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटे पहले जो पानी पीते हैं उसकी जगह पर 1 घूंट दूध और 3 हिस्से पानी, 1 गिलास के अंदर 1 घूंट दूध यानी 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी वो शामिल करके उसको पी लिया करें, इससे इंशाल्लाह मैदे की जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मुंह कड़वा रहता है तो उसके लिए ग्रीन चटनी इस्तेमाल करें, ग्रीन चटनी जो हमारे यहाँ बनाई जाती है यानी कि धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और इसके साथ साथ जो है इसमें टमाटर डाल दें, इसको जो है थोड़ा थोड़ा चाटा करें, इससे इंशाल्लाह मुंह की करवाट वगैरह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा, बहन सुल्ताना है, मजीद भी इंशाल्लाह हम कॉल शामिल करेंगे लेकिन अभी अभी जो है पहले हम कुछ सवाल के जवाब देते हैं, इंशाल्लाह मजीद कॉल में शामिल करते हैं। बहन सुल्ताना है, इनकी उम्र 62 है, 84 kg इनका वजन है, अथराइटिस है इनको 20-22 साल से, पाँव पर भी सूजन है और शोल्डर में भी इनके पेन रहता है, इसके हवाले से कुछ बताया जाए। देखिए जी, अथराइटिस 20-22 साल से है तो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाना अल्लाह तबारा का बताला कि ये अजीम ऐसी नियामत है कि खवातीन के लिए तो मुफीद ही मुफीद है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपने मेरे प्रोग्राम में हमेशा सुना होगा, मैं कई दफा जोर देकर मेथी दाने के मुतालिक जिक्र करता हूँ कि मेथी दाना ये सोने का कलर होता है और सोने की हिफाजत और सोने की कदर वही जानता है, जिसे फारसी के अंदर बड़ा मशहूर मकबूला है, कदर जर जरगर शनासत, यानी सोने की कदर जो है सुनारा जानता है। अब मेथी की कदर जो है वो तो हकीम साहब ही जानेंगे ना कि यार मेथी है क्या चीज, तो खवातीन के लिए ये बेहतरीन चीज है, इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना शुरू कर दें आप, रात को सोते वक्त जो है हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करें, अगर आपको शुगर नहीं है तो हल्दी वाले दूध के साथ 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर मुंह में डाल लें और उसको ऊपर से दूध पी लें, इंशाल्लाह अजीज ये आपकी ये जो शोल्डर पेन वगैरह है और जिसम में अथराइटिस वगैरह है इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह काफी आप अपने जिस्म में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। और जहां तक रही बात आपको सूजन वगैरह है तो आप क्या करें कि ये जो आप ये हल्दी वाला दूध बनाती है ना इसके अंदर थोड़ी सी यानी कि अगर आपने ये अदरक जो है ना अदरक ये 1.5 इंच का टुकड़ा ये भी डाल दें और इसको उबाल लें, ये वाला दूध आप पिए और इसके साथ जो है ये मेथी दाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये आपकी ये कैफियत जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसी तरीके से आपके कानों में भी शोर आता है और ब्लड प्रेशर भी आपको काफी अरसे से है तो कानों में जो शोर ब्लड प्रेशर जो इंशाल्लाह मेथी दाना आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह काफी हद तक ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाएगा। और कानों में आपका शोर आता है तो कलौंजी का तेल ले लें, वो कानों में डाला करें और नाक में भी अपने कलौंजी का तेल लगाया करें पाबंदी के साथ। एक कुछ कॉल्स इनको शामिल करते हैं फिर इंशाल्लाह मजीद जो है मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर आप ऑन एयर हैं। जी नाज़रीन किराम हम इंशाल्लाह इनकी कॉल्स को शामिल करेंगे, जवाबात की तरफ कंटिन्यूसली उसको कंटिन्यूसली जारी रखते हैं इंशाल्लाह। हमारी बहन सुल्ताना उनके बेटे हैं 30 यानी कि उनकी उम्र 31 साल है, शादीशुदा है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है उनके, उसके हवाले से कुछ बतलाएं। मेथी दाना इस्तेमाल करें और घुटनों का मसाज करें, जवान बंदे एक्सरसाइज करें, खून का दौरान होगा, जिस्म में इंशाल्लाह बेहतरी होगी, मसाज करें रात को सोते वक्त जैतून के तेल का, और इसके साथ अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर क्या करें कि जैतून का तेल, कलौंजी का तेल ये ले लें और उसको नीम गर्म कर लें, और नीम गर्म करने के बाद उसका थोड़ा थोड़ा उसमें, बल्कि अगर आप उसको और ज्यादा मुफीद बनाना चाहते हैं इसमें एक और तरीका यह है कि इसमें तकरीबन कोई 5 से 6 जवे उसमें लहसुन को जला दें, लहसुन को जला लें और उसको उतार लें और उसको छान लें और उस तेल को जो है वो लगाएं। अच्छा, एक और हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, वो घर में हम लोग फिश तलते हैं, फिश का जो ऑयल होता है ना, फिश का ऑयल
जो यानी कि जिस ऑयल के अंदर हम फिश को तलते हैं, वो जो ऑयल है ना, उस ऑयल को अगर उससे मसाज करें जिस्म में, जोड़ों में कहीं भी दर्द होता है, तो फिश का ऑयल जो है, फिश का ऑयल कौन सा है, कॉड लीवर ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस ऑयल के अंदर आप फिश को तलते हैं वो ऑयल, उसको फेंका ना करें। बस औकात क्या होता है, हमारे यहाँ 2-3-4 दफा उस तेल को इस्तेमाल किया तो जाहिर बात है वो ब्लैक हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो हम उसको बहा देते हैं। तो उसको जाया ना करें, उसको रखें, उसके साथ मसाज किया करें, आप ये देखें कि आपकी माशाल्लाह आपका जिस्म में जहां भी दर्द होगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उस तेल से मसाज करें। कुछ कॉल्स हैं तो शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे जवाब की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर आप ऑन एयर हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल हम शामिल करते हैं, दोबारा ट्राई करते अस्सलाम हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत से हैं, ठीक हैं? जी नाम, उम्र, वजन, शहर। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। मेरे ख्याल से कि आपकी कोई लाइन, आई थिंक इनकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि जब भी कॉल किया करें तो माशाल्लाह कोशिश करें कि अपने टीवी के आवाज को बंद कर लें और बाकी जो है तवज्जो सारी फोन कॉल पर रखें, तो इंशाल्लाह फिर बात आसानी से हो जाती है। अच्छा, हमारे एक और भाई हैं, फरीद भाई, उनकी उम्र 40 है और 100 kg इनका वजन है, और पाइल्स है इनको, बवासीर का मर्ज है, और कहते हैं बवासीर तकरीबन 10 से 15 साल से है, और इनको कोलेस्ट्रॉल भी है। एक तो देखें सबसे बड़ा मसला आपका यह है, आपका वजन ज्यादा है, और वजन ज्यादा वाला जब भी वो कंटिन्यूसली बैठा रहता है, अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह तबारा का वताला ने इंसान की साख्त, इंसान के जिस्म की साख्त ऐसे बनाई है कि जब भी कोई हिस्सा मुतासिर होता है, उसकी वजह ये होती है कि देखें पहले जमाने के अंदर ना, मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ, खासतौर पर यूके यूरोप में रहने वाले हमारे मर्द हजरात भी इस पर तवज्जो दें। हमारे यहाँ क्या है कि एक तो तंग और चुस्त लिबास पहनते हैं, एक बात। दूसरा मर्द देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो मुझे यहाँ पर बहसियत सिर्फ और सिर्फ एक हिकमत के होने के नाते वो मैं आपको समझानी पड़ती है, और मुझे बस अवकात में कोशिश करता हूँ दबे लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ। अंडरवेयर ज्यादा ना पहने, इसके पहनने से जो है ये मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा जो है इसको इसको पहनते हैं, एक तो ये काम करें। दूसरा काम ये करें कि आप अपने वजन पर तवज्जो दें, वजन को कम करें। वजन को कम करने के लिए मेरा जो कहवा है, आप उसको कंटिन्यूसली 3 दफा इस्तेमाल करें हफ्ते में, और हफ्ते में कह रहा हूँ रोजाना 3 दफा इस्तेमाल करें, और आप 40 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद अपना वेट करें, अभी वेट करें और 40 दिन के बाद इस्तेमाल फिर वेट करें, फिर उसके बाद फिर आप वेट करें, आप देखें आपका वजन कितना बेहतरीन कम होगा। दूसरा काम आप ये करें कि सुबह के वक्त में एक लहसुन खाना शुरू कर दें। तीसरा काम ये करें कि आप जो है रात जब भी आप इस्तंजा करते हैं, तो इस्तंजा जो है आप गर्म पानी से ना करें बल्कि ठंडे पानी से करें इस्तंजा, ये जहन में रखें। जिनको भी मौके हैं, जिनको भी बवासीर का मर्ज है, चाहे वो खूनी है चाहे बादी है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो यानी कि ठंडे पानी से इस्तंजा करें। ठंडा पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, जितना जितना आप बर्दाश्त कर सकें, तो वो उससे आप इस्तंजा करें। तीसरा काम आप ये करें कि जी बेहतरीन ये है कि खासतौर पर अगर वहां कोई जख्म नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जख्म है तो हल्दी का पाउडर या हल्दी का पाउडर इस्तेमाल करें, और हल्दी का पाउडर भी ना इस्तेमाल कर सके तो दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें कि सुबह के वक्त में नहार मुंह आप क्या करें कि एक लेमन यानी कि एक लाइम जैसे नींबू होता है, एक गिलास पानी के अंदर ये डालकर सुबह के वक्त में पी लिया करें, इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा, इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। बाकी पाइल्स के हवाले से जाहिर बात है हर एक अपना एक, और जितनी पुरानी होती है तो उसको उसके लिए बाकायदा किसी मालिश को दिखाएं ताकि जो है आपको बेहतर से बेहतर जो है। जनरली तौर पर तो मैंने पाइल्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अगर एहतियात की जाए, और खासतौर पर बादी अशिया से कोशिशें करें कि परहेज करें बादी अशिया से, जिनको लोगों को खासतौर पर अब ये यूके यूरोप में ना ये पाइल्स का मर्ज यानी कि बवासीर का मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जो है कब्ज है। कब्ज की वजह से जाहिर बात है हम प्रेशर देते हैं अब, और खास तौर पर ये जो बड़ी वजह एक और है कि हमारी जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट जो है हमारी देसी नहीं है और सुन्नत के मुआफिक भी नहीं है, मुताबिक भी नहीं है। तो ये जो टॉयलेट है ना हमारी, इस पर जाहिर बात है हम जब हम अल्लाह का एक निज़ाम है कि जब हम जो पाँव के बल टॉयलेट पे बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारी बड़ी आंख पर प्रेशर पड़ता है लेफ्ट साइड से, और मैंने ये पिछले कई प्रोग्रामों में मैंने जिक्र भी किया है कि हमें टॉयलेट पर बैठने का तरीका क्या है वो भी नहीं मालूम। तो
दूसरा बैठने से बाई जब साइड पर जब प्रेशर पड़ता है बड़ी आंख में, तो जो है वो कब्ज की शिकायत खत्म हो जाती है। तो बहरहाल नदनी के नाम, इस पर इंशाल्लाह हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, कॉल शामिल करेंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत और हिकमत, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में जो सवालात के जवाबात का सिलसिला है वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिक्र कर रहा था कि बवासीर के मर्ज से मुतालिक, तो खास तौर पर जिन हजरात को भी बवासीर का मर्ज है, जितना पुराना है तो कोशिश ये करें कि एक तो ये है कि हमारे पुराने जमाने में आपको पता है कि लोग तहबंद वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, तो मैं से कहूंगा कि जीन्स की पैंट वगैरह और ज्यादा मोटी पैंट वगैरह ये इस्तेमाल ना करें, अंडरवेयर ज्यादा ना पहने। और दूसरा ये है कि अपने खुले लिबास को इख्तियार करें। खुला लिबास जो है वो सुभान अल्लाह हमारी सेहत के लिए और हमारे जिस्म के, अभी आप ये देखें ये जितनी बीमारियां आ रही हैं ये लिबास का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। जितना इंसान लिबास जैसा पहनता है वैसे ही उसकी, अब हमारे अतिबा हमारे उस्ताद मोहतरम ये फरमाया करते थे, वो लोग जो ज्यादा मैदे के मरीज है ना, उसकी एक वजह ये भी है जो ज्यादा बेल्ट बांधते हैं ना, बेल्ट आपने देखो कि पैंट के बेल्ट बांधते हैं, वो बैठते हैं तो अब जारी बात है वो दबता है, वो जब दबता है तो जारी बात है ऊपर प्रेशर कहाँ पड़ेगा, मैदे पर पड़ेगा, बड़ी आंत पे पड़ेगा, और मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। तो हमारे हमें ये जो लिबास सुभान अल्लाह हमने पहनना है, ये लिबास भी ऐसा हो कि जो हमारी सेहत को मुतासर ना करें। हमें इस चीज़ का, अब बहुत से लोग हैं मेरी बात सुनकर बड़े हैरान भी हो रहे होंगे कि वाकई ये लिबास का भी अमल दखल है हमारी सेहत में। बिल्कुल है हमारी सेहत में लिबास का अमल दखल। तो हमें जो ये तंग और चुस्त लिबास पहनने का जो शौक चढ़ चुका है ना, तो इसने हमारी सेहतों को भी खराब करना शुरू कर दिया। तो इस पर तवज्जो दें तो इंशाल्लाह अजीज आपकी ये सेहत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। कुछ कॉल्स हैं उनको शामिल करते हैं और इंशाल्लाह फिर मजीद जो है जवाब की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो ज्यादा मैदे के मरीज हैं ना, जी कॉलर आप ऑन एयर हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेल्ट बांधते हैं ना। जी नादिनी कराम, इंशाल्लाह हम देखते हैं इंशाल्लाह उसको बेहतर करते हैं। बहरहाल के नादिनी कराम, अब मजीद जो है खास तौर पर हमारी एक बहन पूछ रही थी, पिछली दफा उन्होंने सवाल किया कि कावे की रेसिपी बता दें कि कावे की रेसिपी क्या है। तो कावे की रेसिपी मैं आपको बता दूं, मैं कहवा जो कहता हूँ वो कहवा खासतौर पर यूके यूरोप में अगर हर घर वाला इस्तेमाल करें, आप ये देखें कि पाबंदी से इस्तेमाल करें। कहते हैं ना हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, भाई मैदा ऐसा होना चाहिए जो लक्कड़ पत्थर सबको हजम कर दे। तो अब मैं कावे की रेसिपी जिक्र करता हूँ, बता रहे हैं कॉल्स को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर आप ऑन एयर हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम इंशाल्लाह आपकी कॉल शामिल करते हैं, कावे की रेसिपी में जिक्र करता हूँ। तो कावे की रेसिपी जो है नादरी कराम वो बड़ी आसान है, और हर घर के अंदर इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मैंने भी अपने घर के अंदर क्या सिस्टम किया हुआ है, एक बॉक्स मिलते हैं यहाँ मुख्तलिफ किस्म के, उसके अंदर जैसे मसाले वाला बॉक्स होता है उसके अंदर आप ये सारी चीजें डाल दें बहुत आसानी के साथ। अच्छा फ्रेश अदरक है उसमें तो वो आप अलग से रख लें, तो ये बाकी सब चीजें जो है ना वो एक चीज में डाल दें, यानी कि आप ले लें उसमें सौंफ आपने डाल दें एक ही, उसके अंदर सौंफ ले लें, जीरा ले लें, दारचीनी ले लें, और कलौंजी ले लें, और अजवाइन ले लें, और सूखा पुदीना ले लें। ये एक मसाले का बॉक्स बना लें, सूखा पुदीना बड़ा बेहतरीन हमारे यहाँ आज जितनी शॉप है वो आसानी से मिल जाता है, तो फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये बॉक्स बना लें, और अगर आपने घर के सारे अफराद ने इस कावे को पीना है तो बेहतरीन ये है कि आप तकरीबन, मैंने ये अंदाजा लगाया कि अगर घर के सारे अफराद वो पिए ना, तो अगर आप तकरीबन को डेढ़ डेढ़ स्पून सारी चीजें डालते हैं ना, तो घर के सारे अफराद भी उसको पी सकते हैं, लेकिन खूब उसको अच्छी तरीके से उबालें तो फिर बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह, खूब अच्छी तरीके से उसको उबाला करें। अच्छा उसके लिए मैंने बताया ना क्या क्या है, नंबर एक सौंफ, नंबर दो जीरा, नंबर तीन अदरक, नंबर चार जो है वो दारचीनी, और फिर उसके बाद दारचीनी के बाद क्या है अजवाइन, एक अजवाइन ले लें, और फिर उसके बाद कलौंजी ले लें। जी अब कॉल्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को दोबारा शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको इनका एक बॉक्स बना लें, वो बॉक्स में ये सारी चीज़ें डाल दें और उसमें अदरक जो है वो अलग से ले लें। बस अवकात ये होता है कि एक चीज़ वहाँ रखी है, एक चीज़ यहाँ रखी है, कोई चीज़ डाल दी, कोई चीज़ रह गई, तो उसमें एक बॉक्स के अंदर आसानी के साथ इस काफे को आप घर के अंदर बनाकर इस्तेमाल करें और ख़ासतौर पर एक कोल्ड ड्रिंक से जान छुड़ा लें। जब कोल्ड ड्रिंक से आपके घर के अंदर से जान छूट जाएगी, आप ये देखें कि आपकी सेहतें कैसे बेहतर होंगी, आपके आपकी भूख भी बेहतर होगी, आपके बच्चों की भूख भी बेहतर होगी और माएँ जो पकाएंगी ना उसको बिन की नज़र नहीं करना पड़ेगा बल्कि उसको खाएंगे। माएँ क्या करती हैं, खाना पकाती हैं, भाई खाए खाए कौन, और दोबारा जो है उसको उठाकर फ्रीज कर दिया या उठाकर उसको फ्रिज में रख दिया, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है वो वैसे ही खाने का नहीं होता, उसको फिर बिन में डाल देते हैं। अच्छा, अक्सर घरों में लंदन के अंदर इन इलाकों में खासतौर पर बासी खाने बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो बासी खाने ना खाया करें। देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी बासी खाना नहीं इस्तेमाल किया। जो सबसे ज्यादा बीमारी है वो बासी खानों से, और टिन की अशिया का इस्तेमाल, डब्बों की अशिया का इस्तेमाल, ये जो है हमारी सेहत को बहुत ज्यादा खराब करता है। तो इस पर तवज्जो दें, कहवा इस्तेमाल करें, खाने के बाद आदत डाल दें बस हमने कहवा पीना है। और कहवे के अंदर आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत से आप ले लें, कोरियन को ले लें, कोरिया के रहने वालों कोरियन को ले लें, चाइनीज को ले लें, आप अफगानिस्तान के लोगों को ले लें, आप कुर्दिश के लोगों कुर्दिश को ले लें, तुर्की के लोगों को ले लें, मुख्तलिफ उनकी सेहत देखें, वो जो माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं उनके चेहरों पर लालियाँ होती हैं, वो क्यों होती हैं कि वो इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो खास तौर पर नेचुरल की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम और इस्लाम चैनल मिलकर जो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आप तक एक नेचुरल रेमेडीज, होम रेमेडीज आपको बतलाते हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि आपको नेचुरल की तरफ लाना। जितना हम नेचुरल की तरफ आएंगे इतनी बीमारियों से बचेंगे, जब बीमारियों से बचेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद जिंदगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश के जरिए से माशाल्लाह कितने घराने जो माशाल्लाह दुआएं देते हैं, मुझे कई जगह रास्तों में इधर आने जाते हुए मुझे मिलते हैं और मुझे दुआएं देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो काबा हम इस्तेमाल करते हैं और माशाल्लाह आपकी वो बताई वो फला चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मेथी दाना तो माशाल्लाह हमारे यूके के अंदर अब तो तकरीबन बहुत से घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें, खासतौर पर माएँ अपने बच्चियों को कंटिन्यूसली, देखें हफ्ते में 3 दिन आप मेथी दाना इस्तेमाल करवाएं रात को, माएँ हैं बुजुर्ग हैं उनको ये लाजमी तौर पर अपनी जिंदगी का जुज बना लें कि हमने रात को सोते वक्त जो है हल्दी वाले दूध के साथ अगर शुगर नहीं है तो हमने एक चम्मच मेथी दाना इस्तेमाल करना है। कॉल से उनको शामिल करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी हमारी कोशिश। जी तो मैं जिक्र कर रहा था नाज़रीन किराम, कावे की रेसिपी जो है ये जरूर इस्तेमाल करें और खास तौर पर मैं जिक्र कर रहा था कि जो माएँ हैं बुजुर्ग माएँ खास तौर पर जो 45 अबव है तो वो लाजमी तौर पर हफ्ते में 3 से 4 मरतबा मेथी दाना लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें, पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करें रात को सोते वक्त। एक तो मैं दो तरीके से मेथी दाने का इस्तेमाल बतलाता हूँ। एक मैं तरीका बतलाता हूँ, हमेशा रात को गीला करके इस्तेमाल करें, ज्यादा जिनको एसिड हो जाता है, ज्यादा जिनको जिसमें गर्मी हो जाती है, ज्यादा जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ज्यादा जिनको जो है दिमागी तौर पर डिप्रेशन महसूस होता है उनको मैं कहता हूँ कि रात को वो जो गीला करके इस्तेमाल करें और सुबह उठकर उसका पानी पी लें। जिनको गाउट की तकलीफ रहती है उनको मैं इस तरीके से बतलाता हूँ। लेकिन खासतौर पर जो जिनको शुगर हो चुकी है, जिनको जिनको जोड़ों में दर्द रहता है और खवातीन को जो अय्याम के अमलात होते हैं तो वो उनके लिए रात को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें, पाउडर खा लें, ऊपर से जो है सादे पानी के साथ हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। और खासतौर पर जो जो शुगर के मरीज हैं वो इस तरीके से करेंगे और जो खवातीन है वो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, वो लोग जो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, अक्सर शोल्डर में पेन रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो रात को मेथी दाने को हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करें अगर उनको शुगर नहीं है तो। इंशाल्लाह आप ये देखें कि उनकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छा, बस अवकात ये भी होता है कि किसी को दूध रास नहीं होता है, डेरी चीजें रास नहीं होती है, अगर तो उनको कोई एलर्जी है तो फिर वो इस्तेमाल न करें, सिर्फ हल्दी वाले पानी से इस्तेमाल कर ले तो इससे ये भी बेहतर है। इसके अलावा दूसरा तरीका एक और भी है कि आप क्या करें कि जिनको दूध जो है ना बस अवकात गैस कर जाता है, दूध जो है उनको पेट में हवा बन जाती है, पेट में बादी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें कि दूध को जो है सौंफ के अंदर उबाल लें। सौंफ के अंदर जैसे आप हल्दी डालते हैं उसके अंदर 3 इंच का टुकड़ा हल्दी का डालते हैं, अगर फ्रेश हल्दी ना मिले तो 1 टीस्पून आप उसमें हल्दी डाल दें और उसके साथ जो है तकरीबन 2 टीस्पून आप उसके अंदर सौंफ डाल दें तो ये सौंफ वाला दूध बनाए तो आपको ये बादी भी नहीं करेगा इंशाल्लाह, ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा इंशाल्लाह। इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें।
इसके अलावा हमारी 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 एक और हमारी एक बहन थी, उनका बेटा अहमद है, उनकी उम्र 40 है और 11 स्टोन का वजन है, बाजू में गिल्टियां हो गई हैं और इनकी नजर की भी प्रॉब्लम है। देखिए गिल्टियां आज के दौर के अंदर ना हम लोग की गिजाएं ऐसी हैं कि जिसकी वजह से, और दूसरा एक्सरसाइज ना होने की वजह से अक्सर लोगों को जिस्म में गिल्टियां हो जाती हैं, ये लम्स से हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और ये लम्स की बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका एक तो ये कि अपने गिजा के अंदर ज्यादा फैटी चीजें और फैटी अशिया, उनसे अपने आप को बचाएं, लहसुन का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ यानी सुबह नहार वो लहसुन का इस्तेमाल करें गिल्टियां जिनके जिस्म में। दूसरा ये कि अपने जिस्म पर जैतून के तेल का मसाज करना शुरू करें, जैतून का तेल का मसाज जो है वो कंटिन्यूसली रखें, तो इससे इंशाल्लाह जिस्म में गिल्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, खासतौर पर बाजू में आपकी गिल्टियां। इसी तरह नजर की प्रॉब्लम है तो नजर की प्रॉब्लम के लिए माशाल्लाह सौंफ बड़ी बेहतरीन चीज है। सौंफ का जो है वो रात को सोते वक्त जो है वो सौंफ का एक पाउडर बना लें, इसके साथ नोट कर लें, सौंफ ले लें आप 100 ग्राम, 100 ग्राम ले लें खोपरे का पाउडर ले लें, और इसी तरह सौंफ आप उसमें 30 ग्राम जो है काली मिर्ची ले लें, और इसी तरीके से आप उसमें तकरीबन कोई 100 ग्राम बादाम भी ले लें। ये नुस्खा पूरा तैयार कर लें, रात को सोते वक्त हल्दी वाले दूध के साथ इसको खा लें, इंशाल्लाह नजर की प्रॉब्लम जो है वो जो भी होगी इंशाल्लाह इससे काफी हद तक कवर हो जाएगी। दूसरा आप क्या करें, इससे दिमागी तौर पर आसाबी तौर पर भी आपको काफी फायदा होगा। अच्छा तीसरा काम ये करें कि आप जो है हर फर्ज नमाज के बाद जिनकी भी आंखों की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो या नूरू या बसीरू, वैसे तो कुरान करीम की आयत है फकशफ ना अनका गिताक फबसरुक अल्यौम हदीद कुल हुवल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, तो वो पढ़ के दम करें हर फर्ज नमाज के बाद। सबसे आसान वजीफा हमारे असातिज़ा जिन्होंने हमें अमल की इजाजत दी तो वो फरमाया करते थे या नूरू या बसीरू, अवामुन नास के लिए सबसे आसान वजीफा या नूरू, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है सिफाती नामों में से, या बसीरू और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर अपने आंखों को पढ़कर हर फर्ज नमाज के बाद फूंक दिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी नजर की तकलीफ जो है वो खत्म हो जाएगी। बहन जरीना बेगम है, ये पिछले वीक के जो सवाल है मेरे पास तो मैं उनके जवाब दे रहा हूँ जी, मजीद भी इंशाल्लाह फिर हम शामिल करते हैं जैसे इंशाल्लाह बेहतरी होती है। बहन जरीना बेगम है, इनकी उम्र 68 है, 62 के जी इनका वजन है, और बता रही थी कि तो इनके जो है इनकी कोई दोस्त है, अच्छा उनकी उम्र जो है वो 58 है और उनका वजन जो है वो 63 है, और उनको उनकी टांग में जो है वो सफेद दाग है, तो सफेद दाग के लिए क्या किया जाए। देखिए कुरान करीम की आयत है मुसल्लमतुल लाशियता फीहा, जिसके जिस्म में कोई कोई भी ऐसा ऐसा दाग धब्बा या किसी किस्म का कोई निशान ऐसा हो या कोई ऐसा निशान बन गया हो तो उसके ऊपर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है वो कलौंजी का तेल ले लें, कलौंजी का तेल ले लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, उस पर जो है वो तेल दम कर कर लगाएं, तो इससे क्या होगा इंशाल्लाह वो जो आपका वो हिस्सा जो है इंशाल्लाह इससे काफी, कलौंजी का तेल उस पर लगाएं और 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़, ये मरतबा यानी मुसल्लमतुल लाशिया तफिया वो दम करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी ये जो ये दाग है ना इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। कॉल है दोबारा शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन करम, तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये बहन जरीना बेगम आपने अपने दोस्त को ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अच्छा बहन सारा है, इनकी उम्र 47 है, 14 स्टोन का वजन है, इनको माइग्रेन है यानी कि इनके आधे सर के दर्द की तकलीफ है। देखिए माइग्रेन की जो शिकायत है यूके यूरोप में अब जवान बच्चों को भी हो जाती है, तो इसके सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है ना उसमें नाक हमारी खुश्क रहती है जिससे हम नाक से सांस नहीं लेते, जब नाक से सांस नहीं लेते तो फिर क्या होता है कि उससे उसकी उसकी वजह यह बनती है कि दिमागी तौर पर जो है दिमाग में जो है ना वो मसला पैदा हो जाता है। तो कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है सिद्दीकी साहब? जी 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 बिल्कुल आ रही है, माशाल्लाह बेहतरीन आ रही है आपकी आवाज जी। नाम उमर, वजन? जी मैं एहसान ही बात कर रहा हूँ, आवाज साफ आ रही है? नहीं जी जी एहसान भाई बिल्कुल आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है। चलो शुक्र है आप भी लाइन पे आ गए, आपका ये सिस्टम मेरा ख्याल 2 नंबर लगता है, ये कॉल अच्छे। जी सवाल कीजिए जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद आजम है जी। उम्र कितनी? मेरी
मेरा वजन है तकरीबन 49 केजी है। और उम्र कितनी है? मेरी 49 केजी। उम्र 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 55। जी सवाल पूछिए, सवाल क्या, जल्दी से सवाल कीजिए। मेरी स्प्लीन मेरी जड़ी है बड़ी हो बिग हो ही दिया, लेवर भी मेरा बिग गया है, तो मैं क्या करे किता जाए ना दा। आप ऐसा करें, इसके अलावा कोई खून भी, खून भी बहुत कमी है। आपके आपके कोई शुगर वगैरह तो नहीं आपको? नहीं नहीं शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दूसरा ये बताएं कि आपके कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, थायराइड की बीमारी है, ओवर एक्टिव थायराइड। बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह थायराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। सुबह नहार मुंह एक तूरी लहसुन जो है वो खाना शुरू कर दें, नीम गर्म पानी के साथ या हल्दी वाले पानी के साथ, ठीक है? एक काम तो ये करें, दूसरा काम अच्छा। आप ये करें, हाँ दूसरा काम आप ये करें कि नाश्ते के नाश्ते में आप जौ का दलिया ये इस्तेमाल करें, उसके साथ तकरीबन 2 खजूरें आप ये ले लें, सुकरी खजूर मिल जाए तो बहुत अच्छी, सुकरी जैसे कहते हैं सीन काफ रा या सुकरी, अगर ये मिल जाए तो बहुत बेहतरीन, अगर ना मिले तो आप जो है कोई भी खजूर लेकर सुबह दलिया के साथ ये खा लिया करें, पानी के साथ दलिया बना लें या दूध के अंदर दलिया बना लें बेहतरीन, और जो है ज्यादा थिक ना बनाइएगा उसे, यानी कि पतला पतला बना लें। अच्छा दो काम हो गए, तीसरा काम आप ये करें कि आप क्या करें कि ये रात को सोते वक्त आप क्या यानी कि मेथी दाना इस्तेमाल करें आप, ठीक है? अच्छा। एक चम्मच हल्दी वाले दूध के साथ ये इस्तेमाल करें, आप ये देखें कि आप दोबारा जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अपने दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, कैसे हैं हकीम साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। नाम उमर वजन शहर? जी मेरा नाम मिसेज अहमद है, उम्र 57, वजन मेरा तकरीबन 11। जी अब बताइए सवाल क्या? मैं मेरा सवाल ये है कि मुझे 3-4 बीमारियां हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं मेथी दाने का इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि मैं कैसे करूँ, मैं आपको बताऊँ मुझे क्या है। एक तो मुझे आस्थमा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर है, तीसरा मुझे हम जोड़ों का दर्द है। मैं है ना मेथी दाना इस्तेमाल करना चाहती हूँ, आप मुझे बता दें कि मैं कैसे करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक आपने जो बताया था ना वो कलंजी मैं रोजाना खाती हूँ माशाल्लाह। अच्छा आप सुन ले क्या करें कि रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लें, ऑर्गेनिक हल्दी ले लें या फिर फ्रेश हल्दी का 3 इंच का टुकड़ा ले लें, पानी के अंदर डालें, उसका कावा बनाएं, उसके साथ जो 1 चम्मच मेथी दाना ये रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल करें, एक काम करें। दूसरा आप कहवा इस्तेमाल करें, मेरा कहवा, उसके अंदर बड़ी इलायची गर्म पानी के साथ नीम गर्म पानी के साथ वो हल्दी वाला पानी होगा, उसके साथ जो 1 चम्मच मेथी दाना जो है पाउडर मुंह में डाल लें और ऊपर से हल्दी वाला पानी पी लें, एक काम करें। दूसरा काम ये करें कि आप सुबह के वक्त में और खाने के बाद जो है 2 टाइम आप ये कहवा इस्तेमाल करें, 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा करना है बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का। एक बड़ी इलायची ले लें, उसको थोड़ा सा पीस के फिर डालें और इसमें तकरीबन 2 छोटी इलायची लेकर वो डालें, तो इससे इंशाल्लाह क्या होगा कि आप उस कावे को इस्तेमाल करें, उससे आपके अस्थमा का जो मर्ज है और आपके मेदे के अमराज है और बाकी जुमला अमराज है, इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो अभी मजीद जो है कॉल उनको भी शामिल करते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन कराम इंशाल्लाह मजीद कॉल्स भी हम शामिल करेंगे और मजीद जो है इंशाल्लाह फिर आपको मौका देंगे। तो मैं जिक्र कर रहा था बहन सारा 47 इनकी एज है और 14 स्टोन का वजन है, माइग्रेन की तकलीफ है। तो माइग्रेन वालों के लिए एक तो सांस का देखा, अल्लाह पाक ने हमारा निज़ाम बनाया है कि नाक जो है वो सांस लेने के लिए निज़ाम तनफ्फुस है, तो इससे हमारी जो दिमाग की नसें ये जो है काफी बेहतर हो जाती है जी। कॉलर से उनको शामिल करते हैं, तो इस नाक से सांस लेना शुरू करें जो माइग्रेन के मरीज है, बाकी मैं जिक्र करता हूँ इलाज जी। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम उमर वजन शहर? जी नाम है फौजिया, उम्र है 66 और वजन है 65 केजी। जी सवाल क्या है? जी ये मेरी बहन के लिए सवाल है, उनके पैरों में बहुत जलन होती है, उनको डायबिटीज है। ये उन्हीं की उम्र बताइए ना आपने। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, उनके पाँव में जलन रहती है? अच्छा, बहुत ज्यादा जलन रहती है उनके, ठीक है। और उन्हें डायबिटीज भी है, तो
उन्हें नींद भी नहीं रात को आती है। अच्छा, दूसरा ये कि इनको रात को खाना जल्दी खिलाएं, शुगर के मरीज हैं जी। तीसरा ये करें कि उनको वॉक करवाया करें। चौथा ये है कि उनको जो है ना उनकी शुगर टेस्ट करवाए कि बस औकात रात को शुगर हाई हो जाती है, तो उसमें क्या करें, मेथी दाना का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। मेथी दाना रात को सोते वक्त जो है इसको दूध के साथ, अच्छा मैं शुगर के मरीजों के लिए एक नुस्खा और बतलाता हूँ, वो नोट कर लें, सुबह के वक्त में वो इस्तेमाल करें और रात को भी इस्तेमाल करें। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम काले जौ, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम अखरोट, ये आप ले लें। और इसी तरीके से आप उसमें तकरीबन को 30 ग्राम अजवाइन डाल दें और 30 ग्राम उसमें कलौंजी डाल दें, ये ले लें। उसको सुबह के वक्त में और रात को सोते वक्त हल्दी वाले पानी के साथ दें, पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह शुगर उनकी काफी बेहतर हो जाएगी। दूसरा मैं सब्जी वाला नुस्खा बताता हूँ कि भिंडी को जो है काट कर ऊपर वाले हिस्से को काट ले, नीचे वाले हिस्से को काट ले, उसके पीसेस कर ले, एक भिंडी के 3 पीसेस कर ले, उसको रात को पानी में छोड़ दें, पानी में डाल के छोड़ दें, सुबह उठकर उसका पानी पी लें, शुगर देखें आपकी शुगर माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। शुगर काफी हद तक बेहतर, यानी कि जब शुगर कंट्रोल होगी तो पांव की जलन जो है काफी बेहतर हो जाएगी, उनकी शुगर जो है रात को कम हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा काम अगर कम हो जाती है ना, फिर भी मैं इसका तरीका बताता हूँ। एक तो ये कि फिर रात को सोते वक्त फिर हल्की फुल्की कोई खजूर अपने पास रख लें, खजूर खा लिया करें इंसुलिन, ताकि इंसुलिन का लेवल जो है वो बेहतर हो जाए। खजूर बेहतरीन चीज है, उससे आसाबी तौर पर ताकत भी आती है, इंसुलिन का लेवल भी बेहतर हो जाता है, एक काम करें। दूसरा काम ये करें कि रात को सोते वक्त उनके पाँव की जलन जो है ना, उसके लिए कद्दू का तेल ले लें, उससे मसाज करें, कद्दू के तेल से मसाज करें, इंशाल्लाह उनके पाँव की जो है जलन बिल्कुल बेहतर हो जाए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शॉर्ट सवाल करेंगे ताकि दूसरों को मौका मिले ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, नाम उमर वजन शहर। हेलो जी, जी नाम उमर वजन शहर। अच्छा जी, मेरा नाम निर्मा है, 48 kg है और 70 से ऊपर। जी टीवी की आवाज को बंद करें। जी सवाल करें। जी मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी रिस्ट और दोनों हाथों की उंगलियां जो है ना, बड़ी मदद जाती हैं और बहुत दुखती हैं। सुबह को इतनी अकड़ी होती हैं कि वो सीधी करनी मुश्किल हो जाती। अच्छा, मैं आपको इसका तरीका बतलाता हूँ क्या करें। एक तो ये करें कि आप नीम गर्म पानी कर लें, उसके अंदर तकरीबन कोई पिंक साल्ट ले लें, तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो आप पानी ले लें और उसके अंदर तकरीबन पिंक साल्ट जो है वो तकरीबन 10 से 12 स्पून वो डाल दें, टेबल स्पून उसके अंदर डाल दें और उसको नीम गर्म को पानी को अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद उसको उतार लें, उसके अंदर अपना हाथ रखें, थोड़ी देर तक अपने हाथों को उसके अंदर रखें, बार बार उसको अपने यानी पानी के अंदर उसको पानी के साथ ही खेलती रहे और फिर उसके बाद क्या करें, निकालने के बाद अच्छी तरह तौलिया से खुश करें और उसके बाद जो है फिर उसको साथ जैतून का तेल लगाएं, मसाज करें और दस्ताने पहन लें, सूती दस्ताने, तो इससे इंशाल्लाह आपकी हाथों की उंगली काफी बेहतर हो जाएगी। जी लास्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक हो, गर्मी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाम उमर वजन शहर। वजन का कोई पता नहीं, बच्चे की उम्र है 46, सब दुखना रहना। अच्छा ये बताएं कि उसकी उसके उसका वजन कितना है? वजन 9.5 स्टोन। 9.5 स्टोन। अच्छा, हर वक्त सर दुखता रहता है, क्या काम करते हैं वो? हर वक्त दुखना रहना से कुछ फायदा होती, बहुत दुखना पे सी। नहीं, क्या काम क्या करते हैं वो? कंप्यूटर का काम करते हैं, हर वक्त क्या काम करते हैं वो? वो काम अपने फैक्ट्री काम करना लगा, कंप्यूटर का जी, कंप्यूटर का काम करता। अच्छा, कंप्यूटर काम करता, ज्यादा लिखने पढ़ने का काम है जी। अच्छा, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जी बहन नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, आप इस तरीके से करें। और इसके बाद जो है, ये हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने सवाल किया अपने बेटे के मुताबिक। देखिए बच्चे क्या है, जब दिमागी काम करते हैं तो उमूमी तौर पर सर में दर्द की शिकायत करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा यह है, सुबह के वक्त में 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची, खून की कमी के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए, और उसके साथ जो है आप सौंफ भी डाल दें। नहीं तो सुबह के वक्त में हमारे पुराने जमाने के अंदर क्या करते थे, सुबह के वक्त में माएँ जो क्या करती थी, खसखास लेती थी, तकरीबन 1.5 स्पून वो ले, टेबल स्पून वो ले लें,
और तकरीबन 5 से 7 बादाम, बल्कि 7 बादाम जो है रात को घीला कर लें, उसके साथ जो है एक अंजीर घीला कर लें, सुबह उठकर उसके उसको सौंफ भी घीली कर लें और सुबह उठकर उसको उसको जूसर मशीन के अंदर घुमा लें अच्छी तरीके से और सुबह के वक्त में पी लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह सर की तकलीफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। और दूसरा है कि नाक में जो है वो कलौंजी का तेल डालें इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ नाक में भी लगाएं इंशाल्लाह। बरादरी करम, आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह जितने सवालात, खासतौर पर जो मैं बहन सारा के माइग्रेन के बारे में जिक्र कर रहा था उसको मैं दोबारा कंटिन्यूसली कर लेता जवाब पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, वो ये है कि नाक के अंदर एक तो नाक से सांस लेना शुरू करते हैं, दूसरा ये करें कि नाक के अंदर कलौंजी का तेल डालें, नाक के अंदर कलौंजी का तेल डालें पाबंदी के साथ, एक नाक को सांस को बंद, इसको बंद करें आराम से, यानी कि एकदम आपने सांस नहीं खींचना, तो ये पाबंदी से करें। बाकी नाज़रीन कराम, कोई सवाल का जवाब ना समझ में आया तो इंशाल्लाह थर्सडे को दोबारा कॉल कर सकते हैं, आप इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फराज़ सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरम अल अकरमीन, जितने बीमार हैं तो सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बरकातुहू।